हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक के बारे में वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज भी एक ऐसी वीडियो लेकर आऊं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी और आपका बहुत पैसा बचेगा। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इसे शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में यह है कि जो हमारी हीटर की रोड होती है, स्प्रिंग जैसे मान लो स्प्रिंग वाली इस टाइप में, ये चीनी मिट्टी की, तो उसे खराब होने के बाद कैसे रिपेयर करते हैं वो आज मैं आप वीडियो को बताऊंगा, इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और ये वीडियो पूरी देखिए दोस्तों, बहुत काम आएगी आपका। तो मेरे पास है आज तीन तरह की रोड है, एक जैसी लेकिन होगी अलग अलग तरह की इनकी हालत। ये हमारे कुछ जो हीटर गिर जाते हैं या फिर किसी वजह से टूट जाते हैं, तो ये वो रोड है। और ये हमारी रोड, वैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाती है या फिर किसी वजह से तार इनकी टूट जाती है, ये जैसे यहाँ पे टूटी हुई है, और ये हमारी एकदम सही रोड। तो ये तीन रोड है, इन तीनों में से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये दोस्तों, ये रोड है, ये हमारी सही हो नहीं सकती है क्योंकि इसकी जो चीनी मिट्टी जिस पर ये लपेटी होती है तो वो हमारी खराब हो गई है, तो ये किसी काम की नहीं दोस्तों। अब हालांकि इनके ये कप जरूर काम आ सकते हैं, ये पेच वगैरह आप रखो तो संभाल कर, ठीक है दोस्तों। इसको हम रख देते हैं एक बार साइड में, ठीक है बच्ची। अब ये रोड है हमारी दोस्तों, जो हमें इसे सही करना बताऊंगा कैसे सही होती है। तो आपको ये देखना है कि पहले तो इनको यहाँ पे पेच से अलग कर इस कप को यहाँ पर ऐसे निकाल लेना है। मेरा ये यहाँ से सही है, आपको ये देखा, अगर यहाँ से आपकी वायर टूटी हुई है तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से पेच बट बोल्ट खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ पर ऐसे बाहर आ जाएगा बोल्ट, उसके बाद ये वायर उल्टा उतारेंगे हम, नाइक्रोम वायर होती है ये, नाइक्रोम वायर को खोल कर उसके बाद ये कप हमारा ऐसे अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इस छेद से वापस वायर निकाल कर इसके ऊपर लपेट के इसको नट बोल्ट कर टाइट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से चेक करते जाना है कि आपकी कौन सी वायर कहाँ टूटी हुई है। जो वायर आपकी टूटी हुई मिलेगी उसको आपको क्या करना है, उसकी सेकेंडरी वायर के साथ उसको कनेक्शन कर देना है, बस इतना ही काम है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। कोई जरूरत नहीं है आपको नई रोड लगाने की, बस ये दोस्तों देखिए, ऐसे आप यहाँ पर इसको जैसे मैंने जोड़ दिया, ये दोस्तों ऐसे करके आप जोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका करंट आगे जाने लगेगा और ये रोड हमारी सही हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर वायर टूटी हुई है, तो मैं इसको भी जोड़ देता हूँ राउंड करके, थोड़ा इस पर डबल राउंड हुए पड़े हैं शायद दोस्तों, टूट गई, थोड़ी कमजोर हो गई है हमारी वायर। तो मैंने इसे यहाँ पर भी जोड़ दिया। अगर ये वायर आपकी यहाँ से निकले ना इस लाइन से, तो आप इस टेस्टर की मदद से, बस इसको आपको क्या चाहिए, एक रोड चाहिए जो खराब है और यहाँ पे एक टेस्टर की सहायता चाहिए, या फिर कोई भी नुकीली चीज ले सकते हैं जिससे आप ये तार उठाए, और कुछ भी आपको ज्यादा चुर नहीं है, आप घर पर बैठे आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और ये रोड हमारी बिल्कुल एकदम सही वर्क करने लगेगी, जो दोस्तों जल्दी से आपको चेक करके दिखाता हूँ। सही होगी तो हमारा बल्ब ग्लो होगा, ये देखिए दोस्तों मेरी सीरीज है, सीरीज में चेक करूंगा मैं पहले इसे, ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके पॉइंटों पर लगाया तो ये हमारी चलने लगी है, ये देखिए हमारी, ये दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये भी ऐसे करेगी, देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल हमारी सही हो चुकी रोड, आप इसे लगा सकते वर्किंग कंडीशन में है दोस्तों ये। दोस्तों मैं डायरेक्ट सप्लाई देने जा रहा हूं इसको, ये दोस्तों देखिए गर्म होने लगी है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी एकदम बिल्कुल सही है रोड। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ये ऐसे आप जैसे मैं चेक कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से चेक करना क्योंकि करंट लग सकता है आपको इसलिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो, तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और चैनल पर हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ये वीडियो बहुत काम आएगी आपके। तो
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।